क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन पर अटकी पतंग को निकालने के दौरान एक अवोध बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। इलाज के 7 दिन बाद एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मामला जुनी इंदौर थाना क्षेत्र के हरिजन कॉलोनी का है। मृतक रौनक पिता राकेश खरे उम्र 10 वर्ष दशहरे के दिन अपनी छत की गच्छी पर चढ़ा और सरिये से हाई टेंशन लाइन पर अटकी पतंग को निकालने लगा। तभी उसको जोरदार करंट लगा और मृतक रौनक आग की चपेट में आ गया। उसके शरीर में लगी आग को देखकर परिजन पहुंच गए, साथ ही उसे एक निजी अस्पताल लेकर गए जहां 7 दिन तक चले इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। बताए भाई साहब, जिसकी डेथ हुई उसका नाम क्या है? रौनक पिता राकेश खरे। कितनी उम्र है उसकी? उम्र 12 वर्ष। क्या घटनाक्रम हुआ है? वो पतंग कटी हुई थी तो उसको निकाल रहा था दशहरे के दिन जी, तो वो निकालने में कोई सरिये से निकाली उसने, तो सरिये से वो करंट पकड़ लिया। अच्छा। वो जला जल गया। जलने के बाद वो आनंद हॉस्पिटल में भर्ती रहा जी। उसके बाद आज सुबह डेथ हुई। उसके बाद ASI मंडलों के द्वारा जाँच की गई और मेरे को PM करवाने भेजा जी। आपका नाम बताइए? मेरा रामकेश दानी, आरक्षक रामकेश दानी। ठीक है, धन्यवाद। बताइए भाई साहब, क्या घटनाक्रम हुआ? ये घर की गच्ची पे से पतंग निकालने के समय रेलवे की लाइन जा रही थी, उस पर से पतंग निकाल रहा था। हाँ। तो वो करंट लगा और करंट से उसके सर्विस पे थोड़ी सी आग लग गई। उसके कारण क्या नाम था बालक का? रौनक खरे। कितनी उम्र होगी बालक की? 12 साल। 10 साल 12 साल। कहाँ रहते हैं रौनक जी? ये जिनी इंदौर हरिजन कॉलोनी जी। और पिताजी का नाम क्या? इनके राकेश खरे। आपका शुभ नाम बताए? बंटी खरे।